नमस्ते। आज हम लोग संविधान कैसे बना उसके बारे में जानेंगे, और संविधान बनने से पहले कुछ अंग्रेज़ों के नियम कानून उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चार्टर अधिनियम के बारे में जानेंगे। इसे हम लोग चार्टर एक्ट कहते हैं इंग्लिश में। इस अधिनियम में कानून इंग्लैंड से बन के आते थे और भारत में लागू होते थे। इसके बाद भारत शासन अधिनियम, ये एक्ट 1858 में आया, और इस एक्ट में कानून भारत में बनते थे और भारत में ही लागू होते थे। पहला चार्टर अधिनियम, जिसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कि 1773 में आया। इस एक्ट में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ, जो कि कोलकाता में हुआ। और इस कोर्ट में 3 जज थे, जिनका नाम स्टेफेन चेसर ली मिस्ट्री था, जॉन हाइड्स था, रॉबर्ट चेम्बर था। नाम इन लोग के बहुत हार्ड है। उसके बाद पहले चीफ जस्टिस बनाए गए, जिसका नाम सर एलिजा इम्पे था, जिनका नाम, जो कि 1774 से 1778 तक रहे थे। इसी एक्ट में बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया। इससे पहले जनरल होते थे, इस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इस एक्ट में बॉम्बे और मद्रास को कोलकाता के अधीन कर दिया गया। अब जो भी डिसीज़न बॉम्बे और मद्रास लेंगे, वो कोलकाता से पूछ के लेंगे। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में था। इस एक्ट में द्वैत शासन ले आया गया, डुअल रूल। एक निर्देशन मंडल था और नियंत्रक मंडल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था व्यापार को संभालना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था राजनीतिक और सेना को देखना। उसके बाद 1786 में गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया गया। इस पावर से वो बहुत सी बड़ी बड़ी डिसीजन खुद ले सकता है। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1813 आया। इस एक्ट में शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान था, ईसाई धर्म का प्रचार का प्रावधान था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BECI का एकाधिकार समाप्त करने का प्रावधान था। बस चीन और चाय पर को छोड़ के चीन से वो मतलब व्यापार कर सकता था बस ईस्ट इंडिया कंपनी, और भारत में चाय का व्यापार बस ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकता था, और बाकी सारे एकाधिकार खत्म हो गए, जिसके कारण अब इंग्लैंड से सारी कंपनी इंडिया में व्यापार कर सकती है। इससे पहले बहुत सारी कंपनी चाहती थी कि मतलब इंडिया में आके व्यापार करे, लेकिन नहीं कर पाती थी। इसके बाद आया चार्टर अधिनियम 1833। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC था, उसका एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब सारी कंपनी आ सकती थी, और मतलब जहाँ जिससे चाहे वो उसे ट्रेड कर सकती थी। इस एक्ट में एक लीगल मेंबर को जोड़ दिया गया, जो कि सलाह देगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1853, जिसमें विधान परिषद बनाया गया, जिसमें बहुत सारे लीगल मेंबर्स थे जो कि सलाह देते थे। इसी एक्ट में एग्ज़ाम का भी प्रावधान रखा गया कि अब जो भी भर्ती होगी वो एग्ज़ाम लेके होगी। इससे पहले जो होती थी ना, इससे पहले लीगल मतलब भर्ती होती थी, जिसको कुछ नहीं आता था उसे भर्ती कर लेता था। तो लीगल मेंबर क्या किया, कंप्लेंट कर दिया सीधे इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की महारानी ने विधि परिषद का गठन कर दिया। इसके बाद 1857 में विरोध हुआ, जिसमें इंडिया वालों ने ब्रिटिश को पकड़ के कूट दिया, अंग्रेज़ों को पकड़ के कूट दिया। तो इसके बाद वहाँ की रानी सब घबरा गई। तो 1856 का अधिनियम लाया गया 1 नवंबर को, जिसमें महारानी का घोषणा आया इंग्लैंड से, जो इलाहाबाद में पढ़ा गया। और ये घोषणा पत्र कब आया था, कैनिंग के राज में, कैनिंग लॉर्ड कैनिंग थे तभी राजा, उसके राज में आया, जो कि इंग्लैंड के थे लॉर्ड कैनिंग। इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया गया,
चार्टर एक्ट को समाप्त कर दिया गया। राजा पर किसी भी राजा पर हमला नहीं होगा, उसको समाप्त कर दिया गया और कोई भी नया क्षेत्र को अब अर्जित नहीं कर पाएंगे करेंगे इंग्लैंड वाले अंग्रेज सब, उसको ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद एट तो हो चुका, इसके बाद 1861 में विभागीय मंत्रालय ये सब बनाया गया, मतलब हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया कि काम अच्छा से हो सके, हर एक काम अच्छा से हो सके। इसके लिए विभागीय डिवीज़न हो गया हर चीज़ का अलग अलग, कैबिनेट मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सब अलग अलग मंत्रालय बनने लगा। और उसके बाद 1876 में रानी जब देखी कि मतलब राजा ठीक से काम नहीं कर पा रहा, तो 1876 में रानी खुद से शासन कमांड अपने हाथ में ले ली। फिर 1892 में पहली बार बजट पर बहस हुआ, करने दिया गया इंडियंस को, और इलेक्शन निर्वाचन चालू हुआ। 1900 में मार्ले मिंटो सुधार, इसमें मार्ले मिंटो ने फूट जालो राज करो की नीति अपनाई और मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने का प्रावधान रखा। इसके तहत जहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा होंगे, ऐसा उसने कहा। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने ईसाई और सिख को कहा गया था कि मतलब इसके लिए एक निर्वाचन क्षेत्र किया जाए, लेकिन तब तक लोग वो सब समझदार हो चुके थे और ये सब नहीं होने दिया। उसके बाद फीमेल को वोट देने का प्रावधान था और राज्यों में द्वैत शासन लाया गया। इसके तहत संरक्षित विषय था और हस्तांतरित विषय था। संरक्षित विषय ब्रिटिश संभालते थे और हस्तांतरित विषय इंडियन संभालते थे। उसके बाद 1935 का अधिनियम एक्ट के तहत म्यांमार को अलग कर दिया गया इंडिया से, राज का द्वैत शासन ख़त्म कर दिया गया, राज में स्वायत्त आ गया, मतलब अब पूरी तरह से राज्य में कमांड भारतीयों का था। फिर केंद्र में द्वैत शासन लाया गया जिसमें 50% भारतीय संभालते थे और 50% अंग्रेज संभालते थे। मेन मेन चीज़ केंद्र का अंग्रेज सभी संभालते थे। 80% जो संविधान लिया गया यहीं से लिया गया। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है जो मार्च 1946 में आया गया, जिसमें अंग्रेज़ों ने कहा कि आप लोग अपना एक संविधान सभा बना लीजिए जिसमें आप लोग संविधान बनाइएगा। तो संविधान सभा 1946 में बना और 1950 तक चला। और जब तक संविधान बनेगा तब तक तो कोई सरकार चाहिए, तो उसके लिए अंतरिम सरकार आई जो कि मतलब जब तक संविधान बनेगा तब तक वो सरकार कमांड करेगी। तो वो सरकार 1946 में आई और 1951 तक चली। अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता 1948 में अंग्रेज देते मतलब आज़ादी इंडिया को, लेकिन मतलब छोड़ के जाते हैं, तो लेकिन वो लोग एक साल पहले ही चले गए इंडियन हिंदुस्तानियों के डर से। उसके बाद ये जो कैबिनेट मिशन बना था इसके 3 मेंबर्स थे, जिनका नाम लॉर्ड पिथिक लॉरेंस था, दूसरे का नाम सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था और ए वी अलेक्जेंडर था, और इसमें लीडर थे लॉरेंस। जब संविधान सभा बन गया तो उस समय लोकसभा में इतने सदस्य थे, 15 फीमेल्स थे, 389 सदस्य थे और 15 फीमेल्स थे उसमें। जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, तब 299 सदस्य भारत में बच गए। जब फाइनल वोटिंग हुआ तो 284 सदस्य थे जिसमें से 8 फीमेल थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, फिर मिलेंगे।